ये जो शहदा हैं उनके ख़िलाफ़ जो बहुत ही अफसोसनाक और काबले मज़म्मत जो मुहिम जोई जो है वो की पीटीआई ने ऑन द बिहेस्ट ऑफ इमरान नियाज़ी साहब, जिसमें शहदा के तकद्दस को जो है वो पामाल किया गया, शहदा की फैमिलीज़ के जज्बात को बहुत बुरी तरह से जो है वो मजरूह किया गया, और यहाँ तक कि पाकिस्तान की रियासत पे वो इल्ज़ामात भी लगा दिए गए जो दुश्मन मुल्क अफ़गानिस्तान ने भी नहीं लगाए। तो उसी के तसलसल में 8 अगस्त को शहबाज़ गिल साहब ने एक फिक्स मैच, एक फिक्स प्रोग्राम के तौर पे जो है वो ARY चैनल पे बकायदा उसकी कन्वर्सेशन मौजूद है कि चैनल्स के लोग जो हैं वो किस तरह से उस प्रोग्राम की जो है वो फिक्सेशन करते रहे कि ये इतने बजे फ़ोन आएगा, इतने बजे प्रोग्राम शुरू होगा, इतने बजे ये क्वेश्चन किया जाएगा, उसके जवाब में आपने 14 मिनट जो है वो गुफ्तगू करनी है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगी। तो ये बयानियाँ जो है ये शहबाज़ गिल साहब ने, जो कि दरअसल इमरान नियाज़ी साहब का बयानिया है, जो कि दरअसल PTI का एजेंडा है, और इसमें कोई शक नहीं रही अब कि ये गैर मुल्की एजेंडा है, तो उस बयानिए को जो है वो 8 अगस्त को ARY चैनल पे जो है वो ऑन एयर किया गया। 9 अगस्त को शहबाज़ गिल साहब के ख़िलाफ़ जो उस बयानिए की बुनियाद पे जिसमें फ़ौज के रैंक एंड फाइल में सबॉर्डिनेट्स को ये तरगीब दी गई, उकसाया गया कि आप जो है वो अपने कमांड का हुक्म ना माने, यानी कमांड की हुक्म मदूली जो है एक ऐसे अदारे में जो मुल्क के दिफा का ज़िम्मेदार है और उसमें जो है वो ये तरगीब देना, मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कहता हूँ कि अगर किसी के पास या PTI के पास अगर कोई ऐसी चीज़ है, हाँ बहुत से सियासतदानों ने बहुत से मौक़ों पे इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में मुदाखलत पर जो है वो बात की होगी, किसी का नाम भी लिया होगा और ये कहा होगा कि ये दुरुस्त नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे अफसरान ने आफ्टर रिटायरमेंट इसके ऊपर बुक्स भी लिखी और ये कहा कि हमने ये किया और ये भी माना कि हमने ये दुरुस्त नहीं किया, लेकिन नॉट ए सिंगल पर्सन जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो या जिसने ये कहा हो कि फ़ौज में जो है वो अपनी कमांड का जो है वो आप हुक्म ना माने, आप कमांड को डिसओबे करें और फिर रैंक्स के जो है वो नाम लेके कि जी सोल्जर से लेके फलां रैंक तक जो है आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बड़े मोहब्बत करते हैं, आप बड़े मुहिब्बे वतन हैं, आपका जो है वो ज़मीर जो जाग रहा है, आप इंसान हैं, आप जानवर नहीं हैं, तो आपके ऊपर जो हैं आप उनका जो है वो हुक्म ना माने क्योंकि वो मुहिब्बे वतन नहीं है। ये एक ऐसी घनौनी साजिश, घनौना बयानियाँ, और ये एक ऐसी कोशिश है कि जिसको किसी तौर पे कोई रियासत जो है वो ना टॉलरेट कर सकती है, ना माफ़ कर सकती है, और ना ही कोई अदारा जो है इस बात को जो है वो हज़म कर सकता है, इसको बर्दाश्त कर सकता है। इस पे जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें 9 अगस्त को जो है वो शहबाज़ गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया। ठीक 24 घंटे बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर 10 अगस्त को उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट के पेश किया गया।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जब उन्हें पेश किया गया, वो फुटेज हम भी जारी कर देंगे, लेकिन वो मीडिया के पास महफूज है कि जब वो पेशी के लिए जो वहाँ पे जब वो तशरीफ़ लाए तो वो किस तरह से इधर उधर देख रहे थे, कोई आया नहीं था उनको उनकी नारेबाजी के लिए, उन हौसला अफजाई के लिए, लेकिन ही वाज विद स्माइलिंग फेस, मुस्करा रहे थे और बड़े जो है वो बड़े अंदाज से जो है वो चल के आ रहे थे, साथ पुलिस थी। अदालत में पेश हुए, उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोई शिकायत नहीं की कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है, नॉट ए सिंगल वर्ड। उसके बाद मीडिया से भी उनकी थोड़ी बहुत बात हुई तो उन्होंने कोई ऐसी जो है वो बात नहीं की। उसके बाद 11 अगस्त को